हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉम्प्लेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? आप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कार के बारे में जिसने पर्सनली मुझे बहुत सरप्राइज किया है, बिकॉज इस कार ने फरवरी मंथ में 14,168 यूनिट सेल करी है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है इन टर्म्स ऑफ सेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सच में ये कार आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार ढूंढ रहे हो, या क्या क्या चीजें इस कार में आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, एंड सच में क्या ये कार इस लायक है कि आप इसको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की और कार छोड़ के इस कार की तरफ जा सको। तो बात करते हैं इस कार के बारे में। एंड सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कार के इंजन के बारे में। ये कार आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एंड इसके टर्बो चार्ज इंजन दोनों में मिलती है। इसके अलावा इसका सीएनजी वेरिएंट भी आता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन के बारे में। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो है वो 1.2 लीटर के साथ आता है, 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क। एंड वहीं बात करूं इसके 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन की, तो वो प्रोड्यूस करता है 98 bhp की पावर और 147 Nm का टॉर्क। ये जो टर्बो चार्ज इंजन है ना, ये पहले आपको बलेनो RS में भी देखने को मिलता था, सेम इंजन इन्होंने कंटिन्यू किया है फ्रॉन्क्स में। एंड इंजन वाइज अगर मैं बताऊं तो कार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर बात करूं इसके 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन की, तो इसका 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं से भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता इसके टर्बो चार्ज इंजन में। एंड वही बात करूं इसके 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कंपेयर किया जाए हैचबैक सेगमेंट में तो काफी अच्छा परफॉर्म करके देता है ये कंपटीशन से। तो इंजन वाइज कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंजन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन है। तो इंजन वाइज कार का इंजन मैं बोलूंगा बिल्कुल मैच करता है, तो कहीं से भी अंडर पावर वाली फील इस कार में नहीं आती है। तो ये बात रही इसके इंजन की परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। सो बात करें कार की सेफ्टी की, वैसे इस कार की कोई ग्लोबल एनकैप रेटिंग नहीं है, कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आई है, बट मारुति क्लेम करती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो बाकी मारुति की कार से बेटर है। एंड मेरा पर्सनली मानना है कि ये बात है, अगर आप इस कार को पर्सनली देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्वालिटी थोड़ा सा आपको इम्प्रूव लगेगी अगर कंपेयर करो बलेनो के साथ ही, बिकॉज सेम प्लेटफॉर्म पे कार बनी है। अगर बलेनो के साथ भी इसको कंपेयर करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर क्वालिटी आपको बलेनो से थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। तो ये नहीं कह सकता मैं कि ये आप एक 4-स्टार रेटेड कार है या नहीं है, बट इन पर्सन अगर आप देखोगे तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर लगती है बलेनो के साथ या फिर मारुति के किसी और प्रोडक्ट के साथ। एंड बात करें माइलेज की, तो काफी अच्छी माइलेज भी ये कार आपको निकाल के देती है। मैं इसके 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की माइलेज की अगर मैं बात करूं, तो सिटी में ये कार आपको 15 के आसपास तक की माइलेज निकाल के दे देती है, वहीं हाईवे में ये आपको 22-23 की माइलेज इजिली निकाल के दे देती है। तो माइलेज पॉइंट से कार काफी अच्छी है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो माइलेज ओरिएंटेड कार, तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मेन रीजन है इस वीडियो का, कि अगर आप कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार ढूंढ रहे हो तो क्या आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। मेरा पर्सनली मानना है, एंड यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ मारुति के साथ, जिस तरह से मारुति इस कार को प्रमोट करती है एज एसयूवी कार, मेरे हिसाब से ये एक एसयूवी कार नहीं है। मेरे को, मैं बोलूंगा तो ये मेरे को एक क्रॉसओवर और एक कूपे टाइप कार ज्यादा लगती है। इसमें आपको वो एसयूवी वाला फील डेफिनेटली नहीं आता है, ये आपको थोड़ा हैचबैक वाला ही फील देती है, बिकॉज जो सिटिंग पोजीशन है वो काफी लो है इस कार में, जैसे कि आपको इसकी बलेनो में देखने को मिलता है। सेम सिटिंग पोजीशन अगर आप अंदर बैठोगे कार के, तो आपको सेम सिटिंग पोजीशन मिलेगी जैसे आपको बलेनो में मिलती है। बट एक पॉइंट जो इसमें को अच्छा बनाता है हैचबैक कार के कंपैरिजन में, इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस आपको हैचबैक कार से ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट है जिस वजह से ये बाकी हैचबैक कार से थोड़ा ज्यादा आगे रहती है, बिकॉज इस पे अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अगर आप इसको ये सोचो कि आप एक एसयूवी वाला फील आपको इस कार में आएगा, तो वो आपको नहीं आएगा। एंड मैं पर्सनली मानता हूं कि ये कोई एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार नहीं है। हाँ, अगर आप एक कोई हैचबैक कार ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इस कार की तरफ आप जा सकते हो। और मेरे हिसाब से जितनी भी हैचबैक कार्स अभी मार्केट में आ रही है ना, उन सब में से काफी ज्यादा गुड लुकिंग कार ये है। कूपे डिजाइन क्रॉसओवर टाइप कार ये आती है। एंड अभी फिलहाल लुक वाइज अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है हैचबैक सेगमेंट की सबसे ज्यादा अच्छी दिखने वाली कारों में से एक है। तो अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो, अगर आप हैचबैक सेगमेंट, पर्टिकुलर हैचबैक सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस कार को एक बार चेक करिए, इसका ट्रायल लीजिए, इसको चला के देखिए, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट।
बिकॉज काफी परफॉर्मेंस वाइज भी कार काफी अच्छी है, फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, बेसिक फीचर्स सारे इसके बेस मॉडल से ही आपको मिल जाते हैं, तो फीचर्स वाइज भी आपको अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट जिस रेंज में यह कार आ रही है उस रेंज में एक अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अगर आप इसको हैचबैक के ऊपर कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि ये किसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार का ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, हैचबैक अगर आप लेना चाहते हो तो हैचबैक में आप इस कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मैं पर्सनली नहीं मानता कि फ्रॉन्क्स को एज अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या आपको भी लगता है कि फ्रॉन्क्स एक एसयूवी कार है? अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बड़ा इतना क्लियर है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक हैचबैक सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।